कुणाल बेल बॉल कुणाल जुड़े रहेंगे। कुणाल आपको एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहना है और मैं विनती करूंगा आज इस समय में बहुत महत्वपूर्ण ये मैच है, बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, तो जिस तरह से ये टूर्नामेंट जा रही है साहब की तरफ से बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है। आप भी एक आयोजन करता है राजनीति में एक बार फिर आपकी चर्चा तो होती है, लेकिन ये टूर्नामेंट देख के आपको कैसा लग रहा है? ये टूर्नामेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वैसे भी क्रिकेट हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल है और हिंदुस्तान के गली गली के नौजवान और यहां तक के बड़े बुजुर्ग भी क्रिकेट खेलते और क्रिकेट देखते और क्रिकेट के ऊपर सट्टा भी लगाने वाले लोग हैं। तो ऐसे क्रिकेट को हिंदुस्तान का धर्म अगर बनाए रखना है तो इस तरह टेनिस बॉल के मैचेस होते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक गली क्रिकेट नहीं होगा तब तक क्रिकेट नेशनल लेवल पर एक बहुत रिच पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का क्रिकेट राज करता है, हिंदुस्तान का क्रिकेट डोमिनेट करता है और इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि यहाँ पर चंगेज भाई जैसे लोग UJPL जैसे आयोजन करते हैं जहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। बता रहे थे मुझे अभी चंगेज भाई की दुबई में और कहाँ शारजा में या दुबई और ओमान में यहाँ पर खेले हुए बच्चे वहाँ की टीमों के लिए खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही फख्र की बात है। चंगेज भाई आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग यूं ही क्रिकेट की सेवा करते रहिए और नए नए नौजवान एक अच्छे क्रिकेटर बनकर उभरते रहे। आज हमारे बीच डॉक्टर सत्तार दीवान साहब, रईस भाई लश्करिया जी, योगेंद्र ये गणेश यादव जी, रियाज भाई हैं आपका आपका नाम प्रशांत भाई, प्रशांत भाई तो हमको इतना जानते हैं जितना मैं भी अपने आप को नहीं जानता हूँ। चंगेज भाई और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय महाराज, जय भीम और खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे बिल्कुल आई कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष संजय जी निरुपम साहब, थैंक यू वेरी मच और आज हमारे साथ आप जुड़े रहे। तो एक बार फिर चलते हैं मैच की तरफ, मैच की तरफ रुक करके, मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस प्रतियोगिता का। तो ओवर टू हरीश पांड्या सर। नए बैटर है कमाल शाह, ओशिवारा ब्लास्टर्स, ये टीम इस वक्त खेल रही है गुलशन नगर रॉयल्स के साथ में। मोहम्मद आफाक, इनकी अगेन कमाल शाह ने ड्राइव किया, एक रन पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा दो रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर, टू फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। गुलशन नगर रॉयल्स पिछले साल की विजेता टीम है, मॉनिटर पर आप देख सकते हैं गणेश यादव जी, एक्स प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, एक युवा जोश और कुछ कर दिखाने की चाहत गणेश जी को काफी लोकप्रिय बनाते हैं। बेहतर गेंद, धीमी बल्ले का बाहरी सिरा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, उबैद खान जो इस टीम के कैप्टन है। सलीम मनियार और उनके साथी पार्टनर मोहम्मद अयूब, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में दो रन दो विकेट गुलशन नगर रॉयल्स बिल्कुल वाकई में रॉयल क्रिकेट है गुलशन नगर रॉयल्स का। नए बल्लेबाज है गुलाम, स्ट्राइक पर है गुलाम,
विकटें गिरती चली जा रही है। गुलशन नगर रॉयल्स एक कामयाब टीम है, पिछले साल बहुत बड़ी फतह हासिल की थी, कल लेकिन बांदिवली बैंडिट्स ने उनको पराजित किया और बांदिवली बैंडिट्स के आसिफ ने जो कल स्टंप पर डाइव लगाई थी। हेलो हेलो गेंदबाज है अब तो गणेश यादव जी का सत्कार, इफ्तिकार मामू इनके शुभाद होने जा रहे हैं। गणेश जी यादव, कोई भी शुभ काम की शुरुआत गणेश के नाम से ही होती है और आज आप इस प्रतियोगिता में शरीक हुए, हमारे लिए बड़ी मजीद खुशी की बात है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन में हमेशा आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और एक अच्छे नेता के रूप में लोग आपको पहचाने, आप काम करते रहें, अच्छा जनसंपर्क बनाते रहें। स्कोर 3-2, वी आर इन ओवर नंबर 2, 4-2 नाउ। कमाल शाह 2 पर खेल रहे हैं, स्ट्राइक पर है खान। ओ लाजवाब गेंद गुलाम खान के लिए, इश्तियाक क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद के ऊपर जो उनका नियंत्रण है वो देखते ही बन रहा है, उंगलियों का जादू। लेफ्ट आर्म ओवर, इस बार गेंद बल्ले पर ले पाए थे, अच्छी बात रही, खेला है मिड विकेट की और एक रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं वहां पर। कमाल शाह की भी तारीफ करनी होगी अपने पार्टनर के रन के लिए, उन्होंने अहमियत दी और 2 रन मुकम्मल हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन, प्रोजेक्टेड स्कोर 33 का नजर आ रहा है और ये हमारे तमाम विशेष मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं आज। इस बार खेला है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में जाती हुई गेंद, बड़ा थ्रो और उबैद खान इसके पहले गेंद को स्टंप्स पर मार पाते अपने क्रीज में पहुंच गए थे बल्लेबाज गुलाम। गुलाम इस बार स्क्वायर कट लगाया, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बॉल थोड़ी सी शॉर्ट और वाइड रही, केवल धकेलना था स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ पारी का, 6 ओवर के मुकाबले हैं, आज की रात का ये 8वां मैच आप देख रहे हैं, इसके बाद 2 मैचेस और खेले जाने हैं। कमाल शाह ने 1 रन और लिया, स्कोर अब 2 अंकों में प्रवेश कर चुका है। 2 ओवर 10 रन 2 विकेट, रन रेट 5 प्रति ओवर। इश्तियाक 1 ओवर 7 रन कोई विकेट नहीं। गुलाम 5 बॉल 5, कमाल शाह 3 बॉल 3। 24 गेंदों का खेल शेष, अगर उसमें 24 रन भी बनते हैं तो ये स्कोर 34 के आसपास जाएगा और कल देखा हमने बीती रात 30 32 34 36 के स्कोर को देखा, ये हमारे तमाम दर्शक थोड़ा ठंड का माहौल है इसलिए देखिए अपनी बाहों को सिकुड़ कर खड़े हैं, कुछ दर्शक कुछ आराम से देख रहे हैं, कुछ मुखवास खाते हुए मैच को देख रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं। क्रिकेट सबको खींच लाता है, गेंदबाज है सोहेल, लेफ्ट आर्म आजम भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। वाइड बॉल,
साइड आर्म बोलिंग एक्शन है और विकेटों के पीछे उबैद ने उसे उठाया, स्कोर 11-2। इस बार कमाल शाह का बड़ा शॉट और कमाल का कैच, और कमाल को आउट करता हुआ कमाल का कैच। मोहम्मद अफाक ने यह कैच लिया और कमाल का यह कमाल कैच, और गुलशन नगर रॉयल्स के जो समर्थक है खुशी से झूम उठे। बहुत अच्छी पैनी नजर गेंद के ऊपर, और जैसे ही कैच लिया गया दरवाजे बंद हुए कमाल शाह के लिए। स्कोर को बढ़ाना चाहते थे लेकिन इस बात से बेखबर थे कि पहले ही दो विकेटें जा चुकी है और ये तीसरे विकेट का अब यहां पर पतन। गुलाम खान के साथ जुड़ रहे अब नए बैटर आदिल पटेल। बहुत बढ़िया मुकाबला रहा था ओशिवारा ब्लास्टर्स का कुरैशी हिटर्स के सामने। एक युवा खिलाड़ी जिसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है, इस बार गेंद को नच किया और स्वयं विकेट कीपर उबैद वहां तक पहुंच गए थे। स्वयं कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है और जरूरत पड़ने पर ओपनिंग बैटर भी बन जाते हैं, ऐसे फ्लेक्सिबल खिलाड़ी उबैद खान। इस बार गोज अंडर बॉल नीचे रही। मेरे ख्याल से जब्बार भाई को अपना बॉलिंग एक्शन याद आ रहा होगा अगर मैं सही फरमाऊं। इसी तरह साइड आर्म, लंबी जुल्फें, मुस्कुराता हुआ चेहरा जब्बार भाई की पहचान रही थी। स्कोर 12-3। चंगेज भाई उनके साथ में आप देख रहे हैं, गणेश यादव जी मैच में पूरी तरह से इन्वॉल्व और भी कई चीजों पर बातचीत चलती हुई। इस बार खेला है वाइडिश मिड विकेट की और एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा हो नहीं पाएगा। बेहतरीन थ्रो आउटफील्ड से आता हुआ फैजान। गुलशन नगर रॉयल्स कल की हार ने उनको अब ज्यादा मैच्योर बना दिया है। अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से हारी और तब जाकर विश्व कप जीत पाई, एक हार आपके मुकद्दर को बदल देती है, आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि और कई मेहनत करनी है। स्कोर 13-3। दो कदम आ गया है एन वक्त पर, उसे खेला पीछे एक रन के लिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 तीन विकेट के नुकसान पर, 14 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स। 3 overs 14 runs 3 wickets कमजोर स्कोर कहा जाएगा। अच्छी गेंदबाजी वहां पर सोहेल द्वारा, 1 over 4 run 1 wicket। गुलाम खेल रहे 8 ball 6 run, आदिल पटेल खेल रहे 2 ball 2 run। अगला ओवर करेंगे इश्तियाक। ये हमारे सत्तार दीवान साहब को आप देख सकते हैं, उसके साथ में डॉक्टर अमजद इनको भी आप देख सकते हैं, समाज सेवक राजकुमार यादव जी ये भी हमारे साथ है। स्कोर 14-3। एक और तीखा तेवर, अंग्रेजी में बताया गया है फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी अग्रेसिव,
सिचुएशन कोई भी हो, नेवर लीव योर अग्रेशन. एक स्लिप लगाई गई है, यहां खेला एक्स्ट्रा कवर की और एक रन पूरा किया, बेहतरीन थ्रो. फील्डिंग का मतलब केवल गेंद को रोकना नहीं है, रोकने के बाद उसे थ्रो करना यह उतना ही अनिवार्य बन जाता है. गेंद को अपने पास न रखते पास करना, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, जरूरी होता है. 15-3, परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल है लेकिन इसको अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाएगा. इस बार खेल दिया है और एक और बेहतरीन यहां पर कैच फैजान ने लिया है. एक और विकेट धराशायी होता हुआ, चौथे विकेट का पतन इश्तियाक को मिलती हुई है सफलता. देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटना चाहते थे लेकिन फैजान ने कोई गलती नहीं की, जान डाल दी क्षेत्ररक्षण में. आज फैजान ने इश्तियाक का बहुत बढ़िया बॉलिंग एक्शन करसन गावरी की तरह और यहां पर पुल कर दिया और फैजान ने जैसे ही कैच लिया गुलशन नगर रॉयल्स के समर्थकों के चेहरे पर खुशी आ गई. नए बैटर है अफान, दोपहर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी अफान ने लेकिन दोपहर का समय अलग था, ये रात का समय है. क्या अफान नाम का तूफान यहां कुछ कर पाएगा ओशिवरा ब्लास्टर्स के लिए? 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रनों के मामले में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए इस वक्त ओशिवरा ब्लास्टर्स. एक और बढ़िया गेंद, जिस अंदाज में गेंदबाजी है, टेनिस क्रिकेट में गेंद का टप्पा ये लोग याद रखते हैं. एक रन और, चार ओवर का खेल समाप्त, 16 रन 4 विकेट, इश्तियाक 2 ओवर 9 रन 1 विकेट. काफी प्रभावी गेंदबाजी रही है इश्तियाक की. अफान खेल रहे 1 पर, आदिल पटेल 3 पर. हमारे कार्यकर्ता अकीब खान, इनको भी आप देख सकते हैं, एक गुफ्तगू चल रही है उनके दोस्तों के साथ में. UJPL और बैटिंग पावर प्ले लिया गया, ये आखिरी मौका है रन बनाने का जब पावर प्ले में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे. 16-4 ओशिवरा ब्लास्टर्स को न्योता दिया है बल्लेबाजी के लिए गुलशन नगर रॉयल्स ने. उबैद खान टीम को लीड करते हुए, दो भाई उबैद खान और इसरार खान बाबू. इस बार बढ़िया शॉट अफान का और अब अफान नाम का तूफान आ चुका है. मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है, आते ही ठोक डाला और गेंद को भेज दिया वायु 7 के लिए 6 रन. ए भाई लोग सब बाजू में, उसको भी बाजू में ले. ओ 22-4, अब इसको कहते गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आया अफान के. वापसी बहुत अच्छी की है यहां पर गेंदबाज ने, वाइड बॉल. स्कोर 23-4. बहुत ज्यादा बाहर टप्पा खाया गेंद ने, इस तरह की गेंदे काम में नहीं आएगी. इस बार अफान मिस टाइम करते हुए, अफान का एक आसान कैच और अफान आउट. सोहेल को मिलती हुई एक और सफलता.
गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला उन्होंने, ये लापरवाही महंगी पड़ेगी यहाँ पर ओशिवारा ब्लास्टर्स को। गुलशन नगर रॉयल्स को पहली सफलता मिली है यहाँ पर, सोहेल को ये दूसरी सफलता, इस ओवर का ये पहला विकेट, कुल मिलाकर दो विकेट लिए सोहेल ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए गुलशन नगर रॉयल्स मुसलसल अच्छा खेलती आ रही है। यहां पर एक बड़ा शॉट और गेंद जाएगी अब मैदान के बाहर 6 रन के लिए। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस ऐसा कहा गया है, ज्यादा बचाव आप करने जाएंगे, कराटे और जूडो में सेल्फ डिफेंस के ऊपर तवज्जो दी गई है, लेकिन एक हद तक उसके बाद जो है अटैक करना होगा। और यहां पर थर्ड अंपायर स्कोर 29 for 5, रिफर किया गया है, 6 है या नहीं जरा 2 मिनट रुक जाएं। ओशिवारा ब्लास्टर्स जिनके टी शर्ट पर है जे जे जलेबी, बिल्कुल जे जे जलेबी, आप जीवन में कभी वो गाना है अफगान जलेबी, अफगानिस्तान जाके तो जलेबी खा नहीं सकते, मालवणी मलाड़ में आइए जे जे जलेबी का लुत्फ उठाइए, और बैराम बाग में भी मिलती है, अपना जोगेश्वरी अपनी जलेबी जे जे जलेबी। अपनी जिंदगी से दूर रखो तमाम झूठे और फरेबी और खाते रहो जे जे जलेबी। 29 for 5, जलेबी में भी बहुत वैरायटियां हैं, इमरती आती है, जलेबी आती है, द ट्रू इंडियन स्वीट। नए बैटर है विनय, जुड़ चुके हैं आदिल के साथ, तो ये 4 रन दिए गए हैं थर्ड अंपायर द्वारा, शुक्रिया। ओशिवारा ब्लास्टर्स का स्कोर रिकैलिब्रेट किया गया 27 पर, अब इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सोहेल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, गुलशन नगर रॉयल्स टीम की तरफ अगर हम रुख करें तो ये टीम में युवा खिलाड़ी भी हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं। अभी अभी कैच लेने के लिए मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर का वाउचर दिया गया, कोई भी जूस पीजिए और मजा लीजिए, जूस हो तो मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर का। इस बार बढ़िया बॉल थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, बॉल गई फाइन लेग पर, 1 रन और, रनों के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त, रन बन नहीं पा रहे। 5 ओवर 29 रन 5 विकेट, 30 गेंदे हुई है, 29 रन बने हैं, 5 विकेटें गिरी है। सोहेल 2 ओवर 17 रन और 2 विकेट। सलीम दीवान साहब, अब उनका हमारे साथ आगमन हुआ है, फिल्म एक्टर है सलीम दीवान साहब, वी वेलकम यू। और हमें मजीद खुशी हो रही है आपको होस्ट करते हुए, वेलकम सलीम जी। स्कोर 29 for 5, जी हाँ, आइए सलीम दीवान साहब, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी है, एक युवा एक्टर है, और गणेश यादव जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, उनसे मिलते हुए, सभी से मुलाकात हो रही है, उम्र दराज हो यही हम दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी आपको मिले।
इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और पहली गेंद पर वहां दो रन दौड़कर पूरे करते हुए अब जो भी मौका है उसे समेटने का प्रयास करेंगे। चंगेज भाई के साथ में सलीम दीवान, इनको आप देख सकते हैं मशहूर एक्टर, उनके साथ में गणेश यादव जी। और इस बार एक और विकेट का पतन, बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए कसूरवार साबित होते हुए यहां पर आसान कैच रहा। इसरार खान बाबू ने यह कैच को मुकम्मल किया, छठा विकेट गिरता हुआ। लपेटना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए। जी हां, सलीम दीवान इनको आप देख सकते हैं, मासूम चेहरा, वार गहरा, बिल्कुल हैंडसम पर्सनालिटी। पीछे अकीब खान को आप देख सकते हैं, और देखिए एक्टिंग करियर आसान नहीं होता, लेकिन फिटनेस और आप अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं इंडस्ट्री में ये भी मायने रखता है। आपके तो नाम में ही दीवान है, और आपकी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जाए, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ती जाए, यही हम दुआ करेंगे। इस बार खेला है ऑन साइड पर, एक रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगाना चाहते थे वहां पर, मुकम्मल कर लेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, एक रन शॉट दिया गया अंपायर द्वारा, यानी कि यह नुकसान हो गया। ओशिवारा ब्लास्टर्स रनों के लिए संघर्ष करते हुए 32/6। हुक किया, मैदान अब थोड़ा गीला सा होता जा रहा है, जो ओस गिर रही है उसके कारण बॉल ट्रैवल नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्ट्रोक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होगा। तैतीस पर छह इस बार मिड विकेट की ओर खेला, दो रन पूरा कर लेंगे ऐसा लग रहा है। अपने आप को झोंक दिया था वहां पर, पूरा डाइव लगा दी थी वहां पर ओशिवारा ब्लास्टर्स के खिलाड़ी इसरार खान ने। बिल्कुल टी शर्ट महंगा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, और दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। रन पूरा किया 35/6, आखिरी गेंद इस पारी की। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। सातवां विकेट भी अब रनआउट के रूप में, और इस तरह एक छोटे स्कोर पर पारी सिमटती हुई। यहां पर टोटल जो स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पर वो है 35, और मैच जीतने के लिए 36 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। और आइए सीधा आपको ले चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए, जो आज की रात का 9वां मैच रहेगा। बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स, आप अगर गौर करें मेगा स्क्रीन पर, जो कपड़ों में टीमें खेल रही है उसी रंगों में ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। जैसे बिस्किट कलर आप देख सकते हैं मेगा स्क्रीन पर, ओशिवारा ब्लास्टर्स का ये पहनावा है, और वही कलर के ग्राफिक्स 70-70 द्वारा, और गेंदबाजी करने वाली टीम का पहनावा ग्रीन कलर का था, तो उसी कलर का आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला बॉलिंग कार्ड। इश्तियाक असगर 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, खान फैजान 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, मोहम्मद आफाक 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, शेख सोहेल 2 ओवर 17 रन 2 विकेट। फॉलो अप विकेट्स, पहला 1 पर, दूसरा 2 पर, तीसरा 11 पर, चौथा 15 पर, पांचवा 23 पर, छठा 31 पर, सातवां 35 पर, 4 एक्स्ट्रा और 36 गेंदों में 36 रनों की दास्तान। आइए सुनते हैं मेरे काबिल दोस्त प्रशांत आदौड़े से। धन्यवाद।
शुक्रिया हरीश पांडा सर, अशरफ जी हमारे साथ जुड़ रहे यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन एसोसिएशन भी है, ओशिवरा स्पोर्ट क्लब प्रेजेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 5 समय हो गया टॉस का बॉस। हमारे साथ जुड़े हैं रईस लश्करिया साहब जो टॉस करेंगे बिटवीन जायंट्स और हेड इज द कॉल, टेल जाया है और वर्सोवा लायंस ने टॉस जीता है। वर्सोवा लायंस क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे वर्सोवा लायंस। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। थैंक यू सर। शुक्रिया अशरफ सर, टॉस तो बिल्कुल हुआ है और इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला आ रहा है ओशिवरा ब्लास्टर बनाम गुलशन नगर रॉयल्स। ये मुकाबला जिसमें अगर देखें तो पिछले दो मुकाबले में ज्यादा रन नहीं बने हैं। उबेद जिनके ऊपर निगाह रहेगी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है उबेद खान और सलीम के हाथ में गेंद। इसके ओवर की बात करें तो पहला ओवर है, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए सलीम एक खिलाड़ी इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ कबर एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में। कॉम्बॉक के सामने जो खिलाड़ी उनको मेरी विनती कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। वसीम भाई सलीम अपने बोलिंग मार पर तैयार, ओ टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है और पहली गेंद बिल्कुल बिंदी गेंद है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते सलीम। क्रिकेट के परिभाषा को बहुत अच्छे से जानते हुए खिलाड़ी, पहली गेंद बहुत बढ़िया है, नियंत्रण बहुत अच्छा था गेंदबाज सलीम का। ओ अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए, क्या जबरदस्त गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। यहां से अच्छी विकेट कीपिंग करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। ये गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल एक बार फिर बल्ले का अनुरी किनारा और फाइन लेग क्षेत्र की तरफ चली गई थी, सुंदर गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी हरकत कर रही है, लेंथ बहुत अच्छी थी और उबेद खान का फुटवर्क नहीं था। उबेद खान बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैदान के अंदर, प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर उबेद खान दो पर हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्के से खेलते हुए पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को बिल्कुल फील किया लेकिन एक रन लेने के लिए पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के 7 रन, संख्या 3 रन ओवर पहला प्रगति पर है। इसरार और उबेद खान मैदान के अंदर, सलीम प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले का ये पहला ओवर मिड ऑन दायरे के अंदर है, उसके साथ अगर देखे तो डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, खिलाड़ी बिल्कुल इस पक फाइन लेग क्षेत्र पर मौजूद है। इस मुकाबले की बात करें तो ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है लेकिन पिछला मुकाबला देखिए एक बार फिर वो आखिर तक चला गया था, मतलब इस विकेट पर, इस सतह पर रन बनाना इतना आसान नहीं है। और टप्पा खाने के बाद कभी कभार गेंद थोड़ी नीचे भी रहती हुई और धीमी रफ्तार के साथ गेंद के ऊपर आ रही है, गेंद इस पक बल्ले के ऊपर आती हुई। और अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, अपने फॉलो थ्रू में छलांग लगा कि सलीम ने कैच लपकने की कोशिश की। यह एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और आपको अगर 36 को डिपेंड करना तो आपको विकेट चाहिए। बहुत बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा पीछे हटकर गेंद को खेला गया था, सीधे बल्ले से गेंद को खेलते हुए डाइव लगाया, हाथ को गेंद लगी और उसके बाद में मिड ऑफ क्षेत्र की तरफ जाती हुई। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की तरफ जाती हुई, दर्शक दीर्घा में गेंद हवाई फायर करते हुए खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक का 6 रन। इसरार खान के बल्ले से बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को पकड़ लिया था बल्लेबाज ने और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बहुत बढ़िया, दर्शनीय स्ट्रोक का बल्लेबाज द्वारा सीधे बल्ले से डाउन
द ग्राउंड गेंद को खेल दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या 11 रन, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। ये ओवर बहुत अच्छा घट रहा था, बिंदी गेंद डबल सिंगल, उसके बाद में सिंगल आया था और बैटिंग पावर प्ले का इशारा मैदान के अंदर हो रहा है। 36 रनों की जरूरत है, तो पहले ओवर में शुरुआत बहुत अच्छी की है बल्लेबाजों ने। उबेद खान 4 पर, रिश्ता 7 पर खेल रहे हैं। इस चार की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी इशरान खान 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। उशिरा ब्लास्टर बनाम गुलशन नगर रॉयल्स, गुलाम के हाथ में एक गेंद है और यह तुरुप का पत्ता है। उशिरा ब्लास्टर के रीढ़ की हड्डी मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गुलाम तैयार। ओहो, रत्नात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे, रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया, अंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। गुलाम की पहली गेंद स्टैटिक लाइन पर, मन बना के खेलने की कोशिश बल्लेबाज उबेद खान द्वारा। इस ओवर की दूसरी गेंद, गेंदबाजी करने के लिए गुलाम तैयार। हवा में गेंद है, मिड विकेट पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे गुलाम चले, तुरुप का पत्ता, बल्लेबाज उबेद खान बैक टू द पवेलियन जाते हुए और गुलशन नगर रॉयल की उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, क्रिस के कोने का अच्छा इस्तेमाल, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला गया था, सुंदर कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया, सलीम ने लिया कैच, देखिए चप्पल बैठे बल्लेबाज और रीड कर दिया था, एक बार टेलीग्राम मिल गया था गेंदबाज को गुलाम को। ये बड़ी विकेट है, प्राइसलेस विकेट, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला झटका गुलशन नगर रॉयल्स को लगता हुआ। उबेद ने बनाए 4 रन, 5 गेंदों का सामना किया, इस तरह 7 पर खेल रहे हैं। और मैंने पहले कहा कि ये जो खिलाड़ी है खास करके इनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी और इनका चलना बहुत जरूरी है। लेकिन आप 36 को डिपेंड करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट लेनी चाहिए और विकेट गुच्छे में चाहिए। दूसरी तरफ से अब देखें तो गुलशन नगर रॉयल्स के लिए साझेदारी की जरूरत है, इनके लिए मंत्रा क्या रहेगा, क्रिक क्रिक क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, आपको विकेट नहीं खोना है। वैसे अगर देखिए तो इस सतह पर संयम की अग्नि परीक्षा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गुलाम गेंदबाजी कर रहे हैं, नौजवान गेंदबाज है, सटीक रन के साथ गेंदबाजी करते हुए। देखिए इस मुकाबले में उबेद खान ने रिवर्स करने का प्रयास किया और उसके बाद में एक बड़ा शॉट खेलने का जब प्रयास किया गया तब अच्छा स्ट्रोक टाइमिंग बन गया, डीप स्ट्रोक कवर की तरफ गेंद जाती हुई बॉडी लाइन की तरफ, घास को आग लगाती हुई बॉडी लाइन के बाहर 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर इसका स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज द्वारा। ये स्ट्रोक देखे फ्रंट फुट पर ऑन दी अप गेंद को खेल दिया, डीप स्ट्रक कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, क्या ढूंढा टाइमिंग बढ़ गया, एक दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर गुलाम तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हवा में है मिस टाइम स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे और लिया कैच, ये पत्ता चल रहा है, गुलाम चल रहा है, दूसरा झटका दिया है। मैच की अगर बात हो 36 रनों की जरूरत है, इससे पहले कपल बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आपने खेला था, ये गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद हरकत करती हुई, क्रैम्प है बल्लेबाज, मिस्टर स्ट्रोक था, अच्छा कैच लिया गया, अफान ने लिया कैच, तूफान आने से पहले अफान ने शांत किया, गुलाम चल रहा है और ये तुरुप का पत्ता है। अपुन का इक्का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। मैदान के अंदर देखिए एक बार फिर बल्लेबाज उबेद खान का विकेट और उसके बाद में बल्लेबाज चले गए आजम 4 रन बना के, बल्ला बिल्कुल घूमता हुआ, मैच भी बिल्कुल इस वक्त घूमता हुआ, मजा आ रहा है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गुलाम द्वारा, 4 गेंदों में 4 रन 2 विकेट चटकाए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, इस समय 7 पर खेल रहे हैं। सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता हुआ उशिरा ब्लास्टर को, ब्लैंक स्लिप एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, ऑफ के बाहर गेंद थी, इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट। देखिए इससे पहले एक चौका आया था, उसके बाद में एक बार फिर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी, हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे,
सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत थी, लेकिन बल्लेबाज ने हमला करने का प्रयास किया और शिकार बन के वापस चले गए हैं। शानदार गेंदबाजी गुलाम द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप खेलते हुए खूबसूरती के साथ रक्षात्मक बल्लेबाजी, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार। शानदार इस रार के बल्ले से यह जबरदस्त स्ट्रोक, 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। यह इस रार आपके स्क्रीन पर है, बहुत खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी, रिवर्स स्वीप खेला गया, रक्षात्मक बल्लेबाजी कारगर साबित होते हुए इस रन ने किया जोरदार प्रहार, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। के 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। गुलाम के गेंदबाजों की बात करें तो एक ओवर में 9 रन दिए, 2 शिकार उन्होंने कर दिए थे। इस रन 11 पर खेल रहे हैं, मपत मैदान के अंदर है, एक पर बल्लेबाजी करते हुए 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। गुलशन नगर रॉयल्स के लिए बहुत ज्यादा समर्थन है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार मोहम्मद, ओहो अच्छी गिनती, गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी शरारत करते हुए गेंद, हरकत करते हुए गेंद, 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है, ये गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए और व्हाइट बॉल का इशारा, गति परिवर्तन करना चाहते थे। एक बार फिर देखे गेंद में जाता घुमाओ, मिट्टी की विकेट है। अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट पर गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा रही है, खिलाड़ी बिल्कुल यहां मौजूद, एक रन का इजाफा। मनियार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, स्ट्राइक करना होगा, विकेट लेना बहुत जरूरी है। ओवर तीसरा प्रगति पर, रन संख्या 22 रन दो विकेट के नुकसान पर, 22/2 काफी संख्या में दर्शक मौजूद। यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग और टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई, इस सतह पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए शॉट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, गेंदों को पढ़ने की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, लो पुट टॉस, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ गेंद जाते हुए, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग हुई है। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल जरूर किया है, 23 रन दो विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 8.80 का है। ये ओवर देखे अभी तक अच्छा घटता हुआ, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, बैकफुट पर जाके गेंद को खेलने का प्रयास किया गया था। अच्छी गिनती गेंदबाज द्वारा, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देती भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। इस गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए एक रन का इजाफा, रन संख्या कर देंगे तो वह टोटल बन गया है कुल मिलाकर 24 रन दो विकेट के नुकसान पर, 36 रनों की जरूरत है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज मनियार द्वारा, दोस्तों इस वक्त ओशिवरा फर्नीचर मार्केट जो पूरी दुनिया में मशहूर है, आज वहां से इब्राहिम भाई और मुबीन भाई हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। फर्नीचर पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो फर्नीचर आपको ओशिवरा में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे साथ आप तशरीफ लाए हैं इब्राहिम भाई और मुबीन भाई, और हमें मजीद खुशी हो रही है, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, शुक्रिया। गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, प्रतियोगिता का आज का वो दूसरा दिन देख रहे हैं, मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाबला ओशिवरा ब्लास्टर और गुलशन नगर रॉयल्स के बीच। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं, अभी दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी, सकारात्मक बल्लेबाजी करते हुए सेट पास गेंदबाजी करने के तैयार। टप्पा खाने के बाद वो चलता ऑन साइड पर गया, जरूर खेलने का जो प्रयास किया गया था, फंस गए बल्लेबाज, सरफराज ने लिया विकेट और इस वक्त बहुत बड़ी सफलता, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। मोहम्मद डिपार्ट कॉम
36 रन चाहिए, आपको स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है। एक बार फिर इस गेंद को देखिए, बहुत अच्छी गेंद थी सरफराज द्वारा और सत्य का फायदा उठा रहे हैं। इस सतह पर गेंद टिप्पा खाने के बाद जल्दी बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है और उसका फायदा उठाने का प्रयास सरफराज कर रहे हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली है, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का यह मैच। वसुधा ब्लास्टर बनाम गुलशन नगर रॉयल्स, एक तगड़ा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल है। 24-3 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सरफराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इशराज 12 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया है फिलहाल। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शोएब मेमन को मौका मिलता हुआ, बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन सरफराज के लिए स्टार्ट अच्छा हुआ है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में खेल दिया, एक बार फिर खराब शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी आने चाहिए थे, क्या लपकने की जरूरत। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस एक बार फिर आ रहे हैं, रन बनाना चाहते लेकिन इस रन ने मना किया। रन संख्या 25 3 विकेट के नुकसान पर, यह बिल्कुल बहुत बड़ा अवसर था, यहां और एक विकेट मिलता तो प्रेशर बिल्कुल जा सकता था बल्लेबाजी करने वाले गुलशन नगर रॉयल्स के ऊपर। ये नन्हे मुन्ने राही फिलहाल इस वक्त देखे आपके स्क्रीन पर है। क्रिकेट का खेल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसके साथ ये अपना खेल खेल रहे हैं। 25-3 चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं। सरफराज तैयार, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रिवर्स शिफ्ट खेला गया, एक रन तो जरूर मिलेगा। इशरत अच्छी पारी खेल रहे, दूसरी इन पर थोड़ी परेशानी है, बल्लेबाज प्रेजेंट ही लगा के वापस जा रहे हैं और इस वक्त साझेदारी की जरूरत है। 26-3 विकेट के नुकसान पर सरफराज प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 3 गेंदों में 1 विकेट चटकाया है, 2 रन इन्होंने दिए हैं। बैकफुट चले गया, ऑन साइड पर खेलते हुए डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा फंबल हो रहे लेकिन ज्यादा जोखिम नहीं उठाएंगे आज बल्लेबाज। अरपन शाह कंपनी के मालिक नेम कुरेशी यहां पर पहुंच चुके, सर आपका स्वागत है, वेलकम। ओ घूम कर खेल दिया, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी 4 रनों के लिए, अच्छा स्ट्रोक खेला गया, प्रेशर रिलीज होता बा। इस रार शानदार पारी खेल रहे, एक बार फिर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल घुमाव था, लेग ब्रेक गेंद थी और क्रीज के गहराई में जाके थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर जाके गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, अच्छा इंटेन, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चल लिया। 31-3 विकेट के नुकसान पर है, जीतने के लिए गुलशन नगर रॉयल्स को 5 रनों की जरूरत है। ओ कनक शॉट है ये, शानदार स्ट्रोक, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं। इस रन ने मुकाबले में जान डाली है और गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं, शानदार स्ट्रोक, देखिए किस तरह से रत्नाकर बल्लेबाजी कारगर साबित हुए हैं, क्या दर्शनीय स्ट्रोक था इस रन का। 8 गेंदों में 30 रन बनाए, 36 का पीछा करने के लिए आए थे इस वक्त गुलशन नगर रॉयल्स, तो एक बार फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। चलिए अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे, उससे पहले मैन ऑफ द मैच का किताब दिया जाएगा और तो चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा आज इस रार की तरफ से।